अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज जुमेरात है और सुबह जुम्मा है, तो जुमेरात को जरूर दुआ किया कीजिए शाम के टाइम। कभी मैं पर पैसे मैं कभी मैं 100 रुपए भी दुआ करती हूँ, वो 100 रुपए स्कूल की छोटे छोटे गरीब बच्चों को दे देती हूँ। और जो भी सालन पको, चाय पराठा हो या मानी बनी हुई हो, कोई भी सालन हो। आज जैसे अभी मैंने चिकन आलू दिए, मैं आपको पता है नौकरों का हमेशा हर जुमे को मेरा चिकन आलू बनता होता है, तो ये नौकरों का चिकन आलू है। और ये जैतू मासी दुआ करें, दुआ करो, चलो जी सारे दुआ करो। जी मैं भी दुआ कर रही हूँ। और हम लोग ये देखें दुआ कर रहे हैं, जुमेरात की मुर्दों के लिए दुआ होती है और हम जीने और मरे हुए सबके लिए दुआ करते हैं। ठीक है, हम दुआ करते हैं, फिर हम लोग बैठ के खाएंगे, हम खाएंगे, हमारे हेल्पर खाएंगे, गाइस हम सब लोग खा रहे हैं, आप भी शेयर करेंगे। देखें कितना मजा आ रहा है, इस तरह जो है ना, ये मेरे हेल्पर बहुत खुश होते हैं इस तरह खाने पे ना, और हम भी बहुत खुश होते हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत यम्मी लग रहा है, बहुत मजे का है। तंदूर की सफेद रोटी है, घर का तंदूर है, और चिकन आलू बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है। कैसा बनाया है? मैंने नहीं बनाया, ये सुल्ताना ने बनाया है, और सुल्ताना बहुत अच्छा बनाती है। ठीक है ना, सुल्ताना अच्छा बनाती है। ओके, अभी हम लोगों ने खाई है पराठा और चिकन आलू, और अब हम खा रहे हैं मिठाई। ये हमारी फैमिली में अभी पिछले दिनों शादी हुई थी, तो रात को दुल्हन आई है हमारा सलाम करने के लिए, तो ये हमारी मिठाई लाई है। बाकी मिठाई मैंने सारी बांट दी है। ये जेली है जो कि बहुत मजे की है, और ये सोन हलवा है जो कि बहुत मजे का है, तो ये हमने अपने लिए रखी है। बाकी गाइस आप देख सकते हैं पूरा डब्बा हमने जो है वो अपने हेल्पर्स को दे दिया है, और अब हम जो है ये जेली को इंजॉय करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम बना रहे हैं इस वेले मैक्रोनी, बहुत दिल हो रहा है। अब ये देखें, ये मैं किसी ने मुझे भेजी है मैक्रोनी, मतलब फैमिली में हमारे, तो मुझे लग रहा है कि ये कोई लोकल है ना, मुझे लोकल लग रही है, तो आज हम इसको देखते हैं। अभी आज अभी हम इसको बनाएंगे और हम देखते हैं कि हम इसको बैलेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर जो हमने इसको बैलेंस कर लिया गाइस, तो फिर तो समझे ये मैक्रोनी हमारी हो जाएगी बल्ले बल्ले, और हमेशा हम फिर ब्रांड की मैक्रोनी नहीं लाएंगे, हम यही वाली मैक्रोनी लाएंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये माशाल्लाह पता नहीं 3 किलो है, पता नहीं 2 किलो है, तो ये शॉप पे से दी है, किसी ने दी है कि आप ट्राई करें। और ठीक है, तो इंशाल्लाह अब हम इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा दिल कह रहा है कि 4 कर लें, कि आपको पता है हमारी जॉइंट फैमिली है, तो फिर बंदा किसी ना किसी को खाने को भी देता है। आबेद प्लीज मुझे वहाँ से एक चम्मच दे दो बेटा। देखिए गाइस, मैक्रोनी हमने बॉयल की, लेकिन बहुत बुरी बॉयल हुई है, इसके साथ बहुत ही धोखा हमारे साथ हो गया। और मेरे कहने पे कभी भी आप लोग ये खुली मैक्रोनी मत लीजिएगा, ये मैं आपको सच्ची से बता रही हूँ। इतनी ज़्यादा फैल गई है ना, इतनी ज़्यादा फैल गई है कि बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो प्लीज़ गाइस, डब्बों की ही मैक्रोनी यूज़ कीजिएगा। और अब देखें अब हम लोग उसको क्या करते हैं, कुछ बनाते हैं, अगर बन गई तो जी बिस्मिल्लाह, नहीं बनी तो चिड़ियाँ खा लेंगी, कोई तो खा ही लेगा, अल्लाह नहीं। ठीक है, हमारे लिए पुलाव बना हुआ है। ओहो अच्छा जी, ये 2 कप चावल हम बुलाएं बुआई करेंगे। जो तुम आखिर 2 खोलो मुझ है ना, ये देखो 2 खोलो मुझ है, ये 2 कप है चावल। मैंने कहा था 2 कप है, लेकिन जैतून मासी को मेरी जबान पे उन्होंने कहा नहीं, मेरे सामने जो है दोबारा नापो, तो अब मैं दोबारा नापा है। ये 2 कप चावल अभी हम बॉयल करेंगे, चना पुलाव अलग बनेगा, बॉयल चावल अलग बनेंगे, और मैक्रोनी अलग बनेगी। ठीक है, ये देखें जी हमारी मैक्रोनी जो है वो तैयार हो रही है। और गाइस मैंने बिल्कुल नहीं बताया कि मैं इसमें क्या क्या डाल रही हूँ, वो इस वजह से कि मैक्रोनी इतनी लोकल है के बहुत ही लोकल है, और सारी मैक्रोनी की नीट ठुक गई है, बहुत ही ख़राब मैक्रोनी है। मैंने कहा इस पर ज़्यादा खर्चा करना फजूल है, इसलिए हमने इसमें चिकन भी नहीं डाला, क्योंकि मैंने कहा खा नहीं सकेंगे,
तो अब जो बनी भी है तो उसको बनाते हैं और देखते हैं कि वो हमारे खाने के काबिल हुई, तो फिर आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ये देखें बिल्कुल कढ़ाई होगी, कढ़ाई की बदे की आपने देखा है ये बिल्कुल टूट गई, ये बहुत मज़े की है और बहुत यम्मी बनी है। तो ये देखें, ये जैतून मासी के लिए मैंने डाली है और ये मैंने जो हमारी दूसरी हेल्पर है उसके लिए डाली है और ये हमारे पड़ोसी हैं उनके लिए डाली है, ताकि अब सबको हम दे के तो अब हम लोग खुद खाएंगे। पहले हम लोग पड़ोसियों को और अपने हेल्पर्स को देते हैं, गाइस को भी अच्छी चीज़ हो फिर हम खाते हैं। हो गई, ये देखें गाइस मैक्रोनी की बिल्कुल, कहाँ मैक्रोनी की बिल्कुल क्वालिटी नहीं है, लेकिन हमने उसको मसालों के साथ बहुत ही मज़े का फ्लेवर दिया है और बहुत ही मज़े की। देखें टूट गई है, लेकिन गाइस बहुत मज़े की है, बहुत ही मज़े की। आज जुमेरात थी, पहले मैंने जुमेरात पे मेरी हेल्पर थी, हम लोगों ने बैठ के ना सालन रोटी खाई, फिर मिठाई खाई, फिर हमने मैक्रोनी बनाई। तो अभी मैक्रोनी जिन जिन को देनी थी हमने देखे, अब मैं मैक्रोनी खा रही हूँ गाइस, और इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे अगले ब्लॉग पे, और मैं आपको अगले ब्लॉग पे बताऊंगी कब्ज़ और गैस की बहुत ही आला रेमेडी बताऊंगी, और आप मुझे दुआएं देंगे। और क्योंकि यहाँ पे हर किसी को हर कोई शिकायत कर रहा है कब्ज़ हो गई, गैस हो गई, तो मैंने कहा अब नहीं होगी कब्ज़ और नहीं होगी गैस। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।